भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। यशोदा मैया नंदन, देवकी माता नंदन, वासुदेव महाराज नंदन, नंद बाबा नंदन, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज ये परम शांति स्वरूप, इस तीनों लोक के दाता, आदि अनादि अनंत व्यापक परमेश्वर प्रभु की लीला का बखान। एक भगवान ने जो लीला की, उस लीला पुरुषोत्तम की लीला का बखान हम करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज बालपन में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ जब बाल स्वरूप में महल में खेलते थे और यशोदा मैया को दौड़ाते थे, यशोदा मैया थक जाती थी, माखन चुराते थे ग्वाल गोपाल के साथ, तो दोपहर के समय उनके कान में एक आवाज आई, फल ले लो, कोई तो फल ले लो, ताजे फल ले लो। ये आवाज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के कानों में पड़ी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महल से बाहर आए तो एक बूढ़ी माई थकी हारी धूप में सर पे टोकली लिए फल ले लो कह रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी दौड़ते गए और बोले, माई क्या हमें आप फल दोगे? माई ने टोकरी उतारी, नीचे रखी, हाँ लाला, आप तो महल में रहने वाले, आप फल खाते हो? हाँ हम फल खाते हो। और माई की गोदी में बैठ गए। माई बोले, अरे लल्ला, आप महल में रहने वाले हमारी गोदी में क्यों बैठे? कोई देख लेगा तो मुझे डांटेगा, हाँ मैं गरीब हूँ, दलित हूँ। अरे नहीं माई, आप गरीब नहीं है, दलित नहीं है, आप एक माता हो, माई हो, और वो भी बहुत अच्छी माई हो, आप फल बेचती हो और अपना गुजारा करती हो, हाँ तो माई क्या हमें फल दोगी? हाँ लाला ले लो, कितने चाहिए? माई ये पूरे फल चाहिए, पूरे लोगे? हाँ। तो लल्ला को मैया ने पूरे टोकरी के फल एक एक करके उनके पूरे हाथों में दिए, हाँ, और वो लेके कुछ फल गिरते हुए भी जा रहे थे और महल में चले गए। और महल से दोनों हाथों में जितना धान आता है वो धान लेकर माई की तरफ आए, फल वाली माई की तरफ। वो भी धान आधा गिरते हुए एक ही ओंजल में जितना आता है उतना धान माई के टोकरी में डाल दिया। फल वाली माई लल्ला को निहार रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी कि आज मेरे हरि ने, मेरे लाला ने मेरे से फल लिए और बदले में मुझे धान दिए, यही इतना ही धान मेरे लिए प्रभु बहुत है, यही मेरा जीवन का सार है, मेरा उद्धार हो जाएगा। हरी चला, जय श्री कृष्ण भगवान। तो माई ने वही धान कपड़े में रखा और उसको ढाक के लल्ला को फल दे के अपनी घर की ओर निकल पड़े। धीरे 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 माई घर पहुंची। घर के बच्चे और घर के सब कहने लगे, अरे माई आज जल्दी आ गई, आज जल्दी फल बेच दिया। अरे हाँ बेटा, आज फल पूरे लाला ने ले लिए। अरे कौन लाला? अरे माई, नंद का लाला, यशोदा का लाला, पूरे फल ले लिया और बदले में मुझे क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, दिखाओ माई, दिखाओ माई। तो माई ने टोकरी नीचे उतारने लगा तो टोकरी कुछ ज़्यादा ही भारी हो गई थी, फल भरे हुए टोकरी से भी भारी हो गई थी। तो वो फल की टोकरी छोटी बच्ची के सहारे नीचे उतारा और कपड़े को सरकाया तो माँ के आंखों से, फल वाली माई के आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे फल की टोकरी हीरे जवाहरात से भरी और उन्होंने लाला को याद किया कि हे भगवान,
हे मेरे परमेश्वर, त्रिभुवन सुंदर अनंत भगवान, विलक्षण छवि वाले श्री कृष्ण भगवान, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। ऐसी लीला भगवान ने सुनाई, ऐसी लीला भगवान ने करी। इसी पे आधारित एक छोटा सा भजन हमने तैयार किया है, वो भी आप सुन लीजिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। घर जाकर
देखी माई ने घर जाकर देखी माई ने देखत नयन भर भर आए देखत नयन भर भर आए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जवाहिर से भरी ये टोकरी मैया ने फल वाली माई ने जब कपड़ा टोकरी से सरकाया तो हीरे जवाहरी से भरी पूरी फल की टोकरी देखकर नयन अश्रु बहने लगे और हरी नाम गाने लगी माई देखत नयन भर भर आयो हरी ने नैया मोरी पान लगायो हरी ने नैया मोरी पान लगायो हरी ने नैया मोरी पान लगायो हरी